हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रभा आज लेके आई हूँ चॉकलेट केक की एक आसान सी रेसिपी जो कि एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक। स्पंज को बनाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसे क्लिंग रैप करके आप फ्रिज में रख दें तो इसको कट करना, स्लाइस करना इजी हो जाता है। साइड से हम पहले चारों तरफ नाइफ लगा लेंगे और फिर उसे एक बार में फिर हम कट करेंगे। केक की हाइट के अकॉर्डिंग आप दो या तीन पार्ट में इसे कट कर सकते हैं। मैं तीन स्लाइसेस करूँगी इसके। ऐसे इसका मैंने एक स्लाइस कट कर लिया है। अब सेकेंड स्लाइस इसका कट कर रही हूँ। केक बोर्ड पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि जो लोअर इसका बेस जो है वो इस पे चिपक जाए। प्लेन वाटर मैंने लिया है, स्पंज को सोक कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ शुगर और जितना शुगर है उतना ही वाटर ले लें। इस पे विप क्रीम जाएगी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब इस पे मैं हेजल नट पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। हेजल नट पेस्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर जाएगा हमारा सेकेंड लेयर। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसे भी अच्छे से हम सोक करेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे और फिर इसके ऊपर फिलिंग, हेजलनट पेस्ट की फिलिंग हम स्प्रेड करेंगे। इसे क्रम कोट कहते हैं, साइड से भी इसके हम कोट कर लेंगे। इसकी अपर लेयर को हम अंदर की तरफ से सोक कर लेंगे क्योंकि ऊपर क्रीम लगानी है। मुझे इस डिज़ाइन में डोम शेप ही ऊपर से चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ इसका थर्ड लेयर। अगर आपको ऊपर से सरफेस प्लेन चाहिए तो आप इसे उल्टा करके रख सकते हैं या फिर इसको काट के थोड़ा सा आप बराबर कर लें और इसका क्रम कोट कर देंगे हम ऐसे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप क्रम कोट करने के बाद 30 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रख दें। उसके बाद केक के साथ वर्क करना इजी हो जाएगा। और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट करें, जैसे कि मैं बना रही हूँ डायरेक्ट ही बनाऊंगी डिज़ाइन। क्रम कोट डन हो गया है। पिंक कलर चाहिए तो मैं जेल यहाँ पे रेड कलर इसमें डाल रही हूँ और इससे आ जाएगा पिंक कलर। याद रखें कि हमेशा हमें जेल कलर ही यूज़ करना है, लिक्विड कलर ना यूज़ करें, वरना क्रीम जो है वो एकदम लूज़ हो जाएगी। इसे हमने मिक्स कर लिया है पाइपिंग बैग में। ये मैं स्टार नोजल आगे की तरफ डालूंगी और इसको आगे से कट कर देंगे और नोज़ल को इस तरीके से फिट कर लिया। पाइपिंग बैग को आप तो या ग्लास में रख के आप क्रीम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ऊपर से मोड़ लें और इसमें हम क्रीम फिल कर देंगे और ऊपर से इसे हम फोल्ड कर लेंगे ट्विस्ट करके। केक बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे। आप अगर चाहें तो जो हमने इस पे क्रम कोट किया है इसमें भी आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं पे अगर थोड़ा बहुत गैप होगा तो वो दिखाई नहीं देगा डिज़ाइन से। नीचे से इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे हम।
आप और भी बहुत सारे रोज़ के नोज़ल आते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एकदम बेसिक हमें केक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि एकदम मस्ट है, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी। शुगर बॉल्स इसमें मैं लगा दूंगी। आप इसकी डेकोरेशन अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।